सो वेलकम टू लेट्स टॉक एकेडमी। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी हम बहुत स्पेसिफिकली पढ़ने जा रहे हैं इन ईकोलाई। ईकोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर हम ईकोलाई डीएनए को देखते हैं, दैट इज अ सर्कुलर इन नेचर। तो एक सर्कुलर डीएनए के अंदर हम रेप्लिकेशन को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? रेप्लिकेशन प्रोसेस को भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेसेस की तरह हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। डेफिनेटली अगर कोई भी प्रोसेस है तो एक पर्टिकुलर जगह से इनिशिएट होगी, देन वो प्रोसेस कंटिन्यू होगी एंड अल्टीमेटली उस प्रोसेस को हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो। तो सेम रेप्लिकेशन के अंदर भी हमें इनिशिएशन मिलेगा, इलोंगेशन मिलेगा एंड टर्मिनेशन मिलेगा। अगर हम इनिशिएशन को देखते हैं तो क्या बैक्टीरिया के अंदर इनिशिएशन रैंडम है? दैट मींस इस पूरे सर्कुलर डीएनए के अंदर क्या कहीं से भी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा? एक पर्टिकुलर साइट से इनिशिएशन स्टार्ट होगा? किसी ने बताया कि यस, we have a sequence that is known as origin of replication or ORI, which is responsible for the initiation. तो क्या ORI एक normal sequence है? इसके अंदर कुछ conserved walks हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, ये आपके सामने पूरा ORI है। इस ORI के अंदर क्या-क्या boxes हैं? आप देख सकते हैं, we have a 3 boxes of 13 base pair. And then we have a 9 base pair sequence hai, that is known as R1. R1 ke baad we have IHF binding site, and then we have a M box. Uske baad mein mere paas mein R2 box, then we have FIS binding site, then R3 and R4. Kya role hai FIS ka? Regulation ke kaam mein aayega. Kya replication ORI से स्टार्ट होगा? यस। ORI में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, यस। 13 बेस पेयर के जो 3 बॉक्सेस हैं, दे आर 80 रिच, मेल्टिंग यहीं से होगी। रेप्लिकेशन की फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें मेल्ट करना पड़ेगा डीएनए को, सो दैट जैसे ही दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, वी कैन इनिशिएट द प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन। तो इनिशिएशन का काम कौन करके जाएगा? So we have a initiator proteins. आप देख सकते हैं बहुत सारे DNA A proteins. DNA A are initiator proteins. They are searching कहां पर है DNA, कहां पर है ORI sequence. उनकी binding है with 9 base pair sequence. जैसे वो 9 base pair पे जाके bind कर रहे हैं, they get dissociate. Again binding and dissociation. Again binding and dissociation. Binding, searching, binding, dissociation. ऐसा क्यों हो रहा है? Because cell is not placed in the culture medium. Bacteria is not able to grow. जब हम इस cell को culture medium के अंदर place करेंगे, तो क्या bacteria nutrition medium से glucose या फिर दूसरे nutrients लेगा? Yes. तो क्या bacteria के अंदर ATP synthesis होगी? Obviously. तो ये right time है bacteria को growth कराने का. अब right time है उसको replication and then cell division करने का. So very high concentration of ATP is observed inside the cell. This high concentration of ATP binds with the DNA A. And because of the binding between DNA A and ATP, ab ye pura ka pura complex ja ke bind kar raha hai 9 base pair sequence ke saath mein, like R1, M box, R3, R2 and R4 ke saath. And because of this binding, ab ye dissociation nahi kar pa rahe. Because in the presence of ATP, DNA A की binding capacity और affinity enhance हो जाती है। तो because of this enhancement, dissociation is less. तो अगर वो कम dissociate होंगे, तो they remain bounded at 9 base pair sequence. तो बहुत time तक यहाँ binded रहेंगे। So now, but आप सबको पता है कि melting exactly 13 पे होने जा रही है। बाइंडिंग एग्जैक्टली उन्होंने 9 पे किया है।
अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन का रोल है, दैट इज IHF बाइंड एट माइनर ग्रुप। जितने भी प्रोटीन्स माइनर ग्रुप के साथ जाके बाइंड करते हैं उनका टेंडेंसी होती है दे बैंड द डीएनए। सो जैसे ही IHF बाइंड करेगा माइनर ग्रुप के साथ में, सो डीएनए इज गोइंग टू बी बैंड। तो दैट मींस दिस 13 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है इज वेरी क्लोज टू द डीएनए प्रोटीन। पूरा का पूरा 13 बेस पेयर इज नाउ वेरी क्लोज टू द डीएनए ए। डीएनए ए के पास में हेलिकेज एक्टिविटी है, उसके पास में वॉकर 1, दैट मींस वॉकर ए एंड वॉकर बी डॉमिनेट। वॉकर ए बाइंड्स विद एटीपी एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर एक डीएनए ए के पास में ऑलिगोमराइजेशन डोमेन भी है, सो दे आर रिक्रूटिंग न्यू डीएनए ए और नए डीएनए आके बाइंड कर रहे हैं and they are melting at the 13 base pair. So पूरा का पूरा 13 base pair exactly melt हो चुका है. And because of this melting, जो 13 base pair sequence है, अब वो single stranded हो चुका है. Single stranded के ऊपर जाके bind करेंगे SSB, single stranded binding protein. क्योंकि they prevent the single stranded to re-anneal with each other. तो SSB प्ले वेरी क्रूशियल रोल। बिना SSB का आप रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन आप सोच भी नहीं सकते। पूरा रिकॉम्बिनेशन, रिपेयर मैकेनिज्म एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द SSB। SSB ही है वो जिसने इंश्योर किया है यहां मेल्टिंग हुई है, यहां पर मैं आ चुका हूं, अब सारे के सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस को आपको यहीं बुलाना है। कैसे SSB मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है आपको रेप्लिकेशन के आगे वाले जब वीडियोस की चलेगा तो धीरे धीरे पता लगता जाएगा। सो दैट मींस फोर्क बन चुका है, अब मुझे इस फोर्क को बोथ डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कराना है। सो वी रिक्वायर्ड ए डेडिकेटेड हेलिकेज जो हाँ आके बाइंड करे और प्रोसेस को स्टार्ट करे, क्योंकि डीएनए लोकलाइज मेल्टिंग कर पा रहा है। आप देख सकते हैं वेरी लोकलाइज मेल्टिंग की है डीएनए ने, बहुत ही पर्टिकुलर जगह से मेल्टिंग की है, दैट इज एट द 13 बेस पेयर। बट मुझे तो एग्जैक्टली पूरे डीएनए को मेल्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं डीएनए को मेल्ट करने के बाद मैं सिंगल में कन्वर्ट कर पाऊंगा एंड देन मैं रेप्लिकेशन को अचीव कर पाऊंगा, तभी मैं जो डीएनए स्टैंड से उससे डबल डीएनए बना लूंगा। और इस तरीके से तो नहीं होने वाला है। डीएनए नॉट एबल टू मूव ऑन द डीएनए, बट हेलिकेज कैन मूव अलोंग विद द डीएनए। तो एक प्रोटीन के अंदर मूवमेंट करने की पावर कैसे आई, इसके लिए हम कभी इंपरमिट करेगा तो विल गो फॉर अ वर्किंग। बट मुझे इतना सा पता है कि यस, अब हेलिकेज की जरूरत है यहां पे। अब हेलिकेज सर्चिंग कि मुझे कहां है, हेलिकेज इज होमो एग्जामर, राइट, इट्स मेड अप ऑफ 6 सब यूनिट्स, दैट इज सर्कुलर इन नेचर। अब हेलिकेज जब एक सर्कल है और आपका जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो भी ऑलमोस्ट इस तरीके से हुआ है, तो आप किस तरीके से उसको लोड कर सकते हैं, बिकॉज सर्कल के अंदर तो सर्कल लोड नहीं होता। सो वी रिक्वायर्ड ए हेलिकेज लोडर टू ओपन दिस हेलिकेज। सो डीएनए बी प्रोटीन इज ए हेलिकेज, DNA C is a helicase loader. Helicase loader has right now ADP. तो ADP की presence में वो helicase के साथ जाके bind करे। जैसे ही मैं DNA C का जो ADP है उसको replace करता हूँ with ATP, helicase is going to open. That means DNA B protein अभी open हो चुका है। That means मेरा helicase अब DNA के साथ interaction करने को तैयार है। But कहां बाइंड करे वो, से मॉलिक्यूल्स के पास में आईज नहीं है, दे आर मूविंग रैंडमली, उनको ये सेंस नहीं है कि एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास में आईज नहीं है, हम उनको ये नहीं बोल सकते कि देखो वहां पे देख लो वहां बाइंड करना है। अब उनको ये आइडिया नहीं है कि उनको कहां बाइंड करना है, बट डीएनए ए प्रोटीन एंश्योर करके जा रहा है कि अब यही रेप्लिकेशन होगा एट 13 बेस पेयर एंड बिकॉज ऑफ द IHF वो पूरा पूरा
बेंडेड पोजीशन के अंदर है, पूरा फोर्क बना चुके हैं हम। अब डीएनए ए प्रोटीन हैज हेलिकेज बाइंडिंग साइट, दैट मींस डीएनए ए प्रोटीन इंटरैक्ट विद डीएनए बी। डीएनए के पास में जो फोर डोमेन से उनमें एक डोमेन, दो डोमेन के पास में ये पावर है, दे कैन बाइंड विद हेलिकेज, डोमेन नंबर वन एंड डोमेन नंबर टू। सो डोमेन वन कैन बाइंड विद हेलिकेज, सो दे आर रिक्रूटिंग द हेलिकेज, दैट मीन्स डीएनए बी। सो जैसे डीएनए बी प्रोटीन आता है, राइट, डीएनए बी अलोंग विद डीएनए सी, डीएनए बी इज रिक्रूटेड बाय डीएनए ए, डीएनए ए ने डीएनए बी को बुलाया, एंड देन वो बहुत इजी वे में डीएनए के ऊपर लोड हो जाएगा। तो हमने दो हेलिकेज को लोड करा दिया। हम बाद में देखेंगे कि हम इनको लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर लोड कराएंगे। हेलिकेज के पास में पोलैरिटी है, वो ट्रांसलोकेट करेगा, वो मूव कर सकता है ऑन द डीएनए, मेल्ट करेगा डीएनए को। हेलिकेज इज मूविंग इन 5-3 डायरेक्शन, हम देखेंगे इस टॉपिक को भी। ओके, तो अभी तक का प्रोसेस में मुझे पता है कि यस, हेलिकेज इज नाउ ऑन रेप्लिकेशन फोर्क। हेलिकेज को लोड कौन करके जा रहा है? डीएनए सी। बट अभी तो हमने सिर्फ बाइंडिंग कराई है, मुझे लग रहा है मेरे को इसको फोर को सॉरी मुझे लग रहा है इस हेलिकेज को मुझे बंद करना पड़ेगा। सो डीएनए सी इज ऑल्सो हैविंग एटीपीएज एक्टिविटी, सो बिकॉज ऑफ दिस एटीपीएज एक्टिविटी द हेलिकेज इज लोडेड एंड डीएनए सी गेट डिसोसिएटेड। सो अब पूरा प्रोसेस हमारे सामने, अब मुझे सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज को बुलाना है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज को, उनको मेरे को सिर्फ बोलना है कि आप आइए डीएनए के ऊपर बाइंड कीजिए और एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। बट डीएनए पॉलीमरेज को कैसे सेंस आएगा? ओके, यही वो साइट है, दे कैन बाइंड रैंडमली टू द एनीवेयर ऑन द डीएनए, कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा जो इंश्योर करके जाएगा कि मैं यहां हूं और आपको यही आना है। वेरी क्रूशियल पॉइंट इज डीएनए पॉलीमरेज अगेन नॉट एबल टू इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वी रिक्वायर्ड प्राइमर। व्हाट इज प्राइमर? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए दैट इज हैविंग 3' OH, सो ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए व्हिच प्रोवाइड 3' OH, सो दिस 3' OH, ओके, दैट वर्क एज ए प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज कैन एड न्यू न्यूक्लियोटाइड to the existing 3' OH group only, right? Why not DNA polymerase can add any nucleotide to the DNA? ये एक बहुत ही outstanding concept है, किसी नए video में देखेंगे अगर ये video popular हुआ तो, right? So that means मुझे इतना पता लग गया है कि DNA polymerase तो यहाँ पे नहीं आने वाला, तो मैं कैसे फिर application को start करूँ? तो किसी ने बताया कि वी रिक्वायर्ड ए आरएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। आरएनए पॉलीमरेज दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज ए आरएनए, सो दैट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज नोन एज आईमेज। सो वी हैव सो मेनी प्राइमेजेस जो घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर इन द बैक्टीरिया। अब उनको क्या सेंस होगा कि कहां फोर्क है, कहां रेप्लिकेशन इनिशिएट हुआ है? दे आर सर्चिंग, primase has helicase binding domain, but they can bind with the free helicase also, bahut sare helicases free hain, but primase also has dna binding domain, and dna and helicase ka combination sirf yahi par hai. isse pehle main ihf ko main jaise hi dissociate karta hu, so jo banded dna tha wo exactly open ho jayega. So we have a helicase, yes. Now helicase is recruiting what? Primase. अब helicase बुलाने जा रहे हैं primase को, अब binding है helicase की with primase के साथ में. So इस complete fork के अंदर मैंने दो primase लगाए हैं एक fork के ऊपर, दूसरी fork में भी हम दो primase लगाने जा रहे हैं, हम इसको fork बोलते हैं, that is known as fork. This is a fork.
सो एक रेप्लिकेशन बबल के अंदर टू फोर्क होंगे, एक ये वाली फोर्क है और एक ये वाली फोर्क, दो फोर्क। क्या होगा, मेरे पास में हेलिकेज आ चुका है, यस, प्राइमेज आ चुका है, यस, एक प्राइमेज को मैंने लोअर स्ट्रैंड पे बाइंड कराया, एक मैंने अपर स्ट्रैंड को बाइंड कराया, आपकी कन्वीनियंट क्लेम बता रहे हैं। अदरवाइज डीएनए में कोई भी लोअर एंड अपर स्ट्रैंड नहीं होता है, बिकॉज डीएनए इज अ कॉइल्ड, ओके, डीएनए इज अ डबल हेलिकल, हेलिक्स के अंदर जो अभी लोअर स्ट्रैंड है वो बाद में अपर स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अभी अपर है वो बाद में लोअर हो जाएगा, बट आपकी कन्वीनियंट के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एक ऊपर स्टैंड देख रहा हूँ, एक नीचे स्टैंड देख पा रहा हूँ, सो मैंने बोला कि ओके, एक यहाँ बाइंड करा रहा हूँ, एक दूसरा ऊपर बाइंड करा रहा हूँ, एक इधर बाइंड कराते हैं, एक इधर बाइंड करा। नाउ द प्राइमेज इज गोइंग टू सिंथेसाइज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। तो हम एक सिंपल से एक एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले प्राइमेज आके बाइंड कर रहा है, एंड देन उसने एग्जैक्टली डीएनए सिक्वेंस को रीड किया। डीएनए सिक्वेंस में सबसे पहले आप देख सकते हैं साइटोसिन है, और देन उसने गुआनिन को रिक्रूट किया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गुआनिन के पास में दो ग्रुप्स हैं, 5 प्राइम के ऊपर फॉस्फेट है, 3 प्राइम के ऊपर OH। आफ्टर दैट गुआनिन के बाद में थायमिन एक सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, प्राइमेज एंजाइम रिक्रूट द एडेनिन, देन एडेनिन पेयर विद थायमिन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड देन जो एडेनिन के 3 प्राइम के ऊपर जो OH ग्रुप है एंड 5 प्राइम के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है, एडेनिन का जो 5 प्राइम के जो फॉस्फेट है एंड गुआनिन जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था उसके 3 प्राइम के ऊपर जो OH ग्रुप है, उन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से हम फर्स्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करने जा रहे हैं आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड। देन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज एडेनिन, सो आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज इज रिक्रूटिंग यूरेसिल। यूरेसिल के पास में 5 प्राइम के ऊपर 3 फॉस्फेट हैं और एडेनिन के पास में OH ग्रुप है, एंड नाउ देयर इज अ थर्ड न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होने के बाद में सेकंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है। बाय दिस वे नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे। सो प्राइमेज इज सिंथेसाइजिंग ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। तो अपर वाले स्टैंड के अंदर हमने बना लिया है, हम नीचे वाले स्टैंड के अंदर भी सेम प्रोसेस करने जा रहे हैं। अगेन न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, रीडिंग होगी नया न्यूक्लियोटाइड की, रिक्रूटमेंट होगा न्यू न्यूक्लियोटाइड का, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म। इस तरीके से पूरा आरएनए बना लिया। तो क्या यही प्रोसेस हम दूसरे प्राइमेज के थ्रू भी कर, यस, जो दूसरा फोर्क है, एक बबल के अंदर दो फोर्क होते हैं, तो दूसरा फोर्क है उसके अंदर भी सेम प्रोसेस है। अगेन वी हैव अ प्राइमर सिंथेसिस इन अपर स्टैंड एंड अगेन वी हैव अ प्राइमर सिंथेसिस इन द लोअर स्टैंड। अब क्या होगा, अब प्राइमेज दे गेट डिसोसिएटेड, प्राइमेज डिसोसिएट हो चुके हैं कंप्लीटली, क्या वापस से प्राइमेज आ सकते हैं? बहुत इजी वे में प्राइमेज आ सकते हैं, हम बार बार प्राइमेज को बुलाएंगे। तो क्या वो प्राइमर बना चुके हैं? यस, नाउ इट्स अ हाई टाइम टू कॉल डीएनए पॉलीमरेज। सो प्राइमेज ने प्राइमर बना के वो डिसोसिएट हो जाएंगे, क्या दोबारा कभी प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी? हम देखेंगे। हेलिकेज थोड़ा और आगे की तरफ जा रहे हैं, सो दे इंक्रीज द रेप्लिकेशन फोर्क, दे इंक्रीज द साइज ऑफ दिस बबल, रेप्लिकेशन बबल। अब हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, बिना डीएनए पॉलीमरेज के तो आप डीएनए कैसे बना पाएंगे? सो वी रिक्वायर डीएनए पॉलीमरेज जो यहां आके बाइंड कर सके एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सके और इलोंगेट कर सके। अब डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन फोर्क और इनिशिएशन साइट पे यहां पर रिक्रूट करना इज कंप्लीटली डन बाय SSB। बिना SSB के ये काम कोई नहीं कर सकता। तो SSB ने एग्जैक्टली इस वर्क को कैसे परफॉर्म किया, इसलिए मैं आपको बोल के जा रहा हूं इन पेयर मैकेनिज्म और इन रिकॉम्बिनेशन
जैसे ही डीएनए सिंगल होता है डेफिनेटली उसके बाद में एसएसबी प्रोटीन आएंगे, दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एट रिकॉम्बिनेशन साइट, दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एट द रिपेयर साइट बिकॉज ऑफ द एसएसबी ओनली, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एंश्योर कर रहे हैं डीएनए सिंगल हो चुका है, आप इसको रिपेयर करो, रिकॉम्बिनेशन करो, इसको रेप्लिकेट करो, बट इसको डबल कर दो। डबल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज का होगा, बट एटलीस्ट आप इसको डबल कर दो क्योंकि मैं कब तक इससे बाइंडेड रहूं। तो रिपेयर में भी हमें एसएसबी चाहिए, रिकॉम्बिनेशन में भी हमें एसएसबी चाहिए, और हमें रेप्लिकेशन में तो एसएसबी भी चाहिए। चलो हम आगे देखने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली फोर्क इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिकेज है उसके साथ में आप चाहे तो एक प्राइमेज रख सकते हैं, अपोजिट एंड के ऊपर भी जो हेलिकेज है जो लैगिंग स्टैंड में उसके पास में भी एक प्राइमेज रख सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम राइट, बट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बाइंडिंग कैपेसिटी विद द डीएनए इज वेरी लो, सो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द डीएनए गेट डिसोसिएटेड विद द डीएनए, बाइंड्स विद द डीएनए गेट डिसोसिएटेड विद द डीएनए। So how to increase the binding capacity? Normal tendency क्या है DNA polymerase की? Binding, dissociation, rebinding. So how to increase this? That means how to increase only binding, no dissociation. There should not be any dissociation of DNA polymerase. हम इसको कैसे achieve करें? So we required a clamp. What is clamp? Clamp means it can hold the DNA. It's a dimeric, ताकि वो DNA को hold कर सके। और अगर DNA hold रहेगा, तो DNA polymerase because of the clamp, DNA के binded रहेगा। कैसे? Animations में देखेंगे full. DNA replication process आपको बहुत अच्छी तरीके से clear हो जाएगा। Clear करना है, तभी हम 3D animations कर रहे हैं, नहीं तो बोर्ड पे पढ़ा देते। वापस से देख लेते हैं। So we have a clamp. Clamp is a dimeric, known as beta clamp. Because of the interaction between clamp and the DNA polymerase, DNA polymerase की जो processivity है, tendency of DNA polymerase to remain bounded with the DNA, increase हो जाएगी, known as processivity. The tendency of DNA polymerase to remain associated with the DNA, rather dissociation and reassociation. Dissociation and reassociation की tendency नहीं होगी, हमेशा binding की ही tendency रहेगी. This term is known as processivity. Because of the beta clamp, the processivity is increased. But मेरा question तो same है. DNA polymerase यहीं पर कैसे आएगा? With the help of beta clamp. Beta clamp को क्या सेट आएगा कि yes. डीएनए यहां मेल्ट हुआ है, मुझे यही आना है। बीटा क्लैंप को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसको जाना कहां पर है। वो कहीं पे भी जाके बाइंड कर सकता है, इधर बाइंड कर सकता है, इधर बाइंड कर सकता है, इधर बाइंड कर सकता है। इस फोर्क में ऐसा क्या है? ये जो फोर्क है इसके अंदर ऐसा क्या है कि यहीं पर आएगा डीएनए व बीटा क्लैंप। सो बीटा क्लैंप डायमेरिक स्ट्रक्चर, वी रिक्वायर्ड द क्लैंप टू ओपन, That means we required कोई clamp loader होगा जो clamp को load करके जाएगा on the DNA. So we required clamp loader. अब again clamp loader की story है. Clamp loader fork के ऊपर ही आना चाहिए. पूरा replication fork हमारे सामने है. अब मुझे clamp loader चाहिए यहाँ. अगर clamp loader यहाँ आ जाएगा, तो definitely clamp आ जाएगा. और अगर क्लैंप आ जाएगा तो डेफिनेटली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाएगा, इतनी सी बात है बस। तो वी रिक्वायर्ड क्लैंप लोडर एट रेप्लिकेशन फोर्क, मुझे यहां पे भी एक क्लैंप लोडर चाहिए, मुझे अपोजिट जो रेप्लिकेशन फोर्क है, सेकंड रेप्लिकेशन फोर्क है, वहां पे भी क्लैंप लोडर चाहिए। दोनों ही जगह मुझे क्लैंप लोडर चाहिए। We
बिना क्लैंप लोडर के नहीं होने वाला। क्लैंप लोडर इन ट्रक विद एसएसबी, इसलिए मैंने आपको बोला था एसएसबी इज द मोस्ट डिसाइडिंग प्रोटीन बिकॉज दे इंटरेक्ट विद द क्लैंप लोडर। सो क्लैंप लोडर का जो काई सब यूनिट है, क्लैंप लोडर इज हैविंग 5 सब यूनिट्स। सो द फर्स्ट सब यूनिट इज अ काई। सो काई बाइंड्स विद एसएसबी एंड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ काई विद एसएसबी, काई आके बाइंड कर रहा है, आप ऊपर वाले स्टैंड में भी देख सकते हैं, सेकंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपोजिट फोर्क में भी एक काई आके बाइंड कर रहा है। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ काई विद एसएसबी, डेल्टा एंड डेल्टा प्राइम आर कमिंग, दे इंटरेक्ट विद द काई, दैट इज अगेन टू मोर सब यूनिट्स ऑफ द गामा क्लैंप लोडर। डेल्टा एंड डेल्टा प्राइम गोइंग टू बाइंड विद ए बीटा क्लैंप, उन्होंने बीटा क्लैंप के साथ जाके बाइंडिंग कर ली और वो बीटा क्लैंप को भी ओपन करेंगे। बट उससे पहले काई ऑल्सो इंटरेक्ट विद साई एंड साई इंटरेक्ट विद गामा एंड वी हैव 3 गामा। ऊपर वाले स्टैंड पर भी 3 गामा आके बाइंड करेंगे, लोअर वाले स्टैंड पर भी 3 गामा आके बाइंड कर रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट फोर्क के अंदर। सो वी हैव 3 गामा एंड वी हैव ए बीटा क्लैंप हियर। गामा क्लैंप लोडर काई सब यूनिट्स रिक्रूट द डेल्टा एंड डेल्टा प्राइम, डेल्टा प्राइम के साथ साथ में काई के साथ में बाइंडिंग है विद साई और साई के साथ में 3 गामा अटैच। डेल्टा एंड डेल्टा प्राइम ने रिक्रूट कर लिया बीटा क्लैंप को, आप देख सकते हैं बीटा क्लैंप आके बाइंड कर रहे हैं, अभी बीटा क्लैंप के साथ में एटीपी है, सो क्लैंप इज ओपन। जैसे ही ये क्लैंप एग्जैक्टली आरएनए के साथ इंटरेक्शन करेगा, द प्राइमर द 3 प्राइम ओएच ग्रुप और द प्राइमर के साथ जैसे ही इंटरेक्शन करेगा, the ATPase activity is enhanced. So because of this enhancement of the ATPase activity, beta clamp is going to close. So that means gamma clamp loader load the beta clamp at the primer sequence or primer site. बहुत ही प्यारा mechanism. So that means beta clamp is waiting for the DNA polymerase. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का वेट कर रहा है बीटा क्लैंप कि आप आओ यहां पे। अगर बीटा क्लैंप कहीं और भी लोड होता तब भी वो ट्रांसलोकेट होके प्राइमर तक पहुंचता। रीजन सिंपल है, एटीपीएज एक्टिविटी इज एनहांस बिकॉज ऑफ द आरएनए सीक्वेंस। सो दैट मींस अब बीटा क्लैंप कहीं पे भी लोड हो आएगा यहीं पे। गामा क्लैंप लोडर दैट मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ साई डेल्टा डेल्टा प्राइम एंड देन दिस काई एंड देन गामा, इन पूरे को हमने बोला गामा क्लैंप लोडर और सिंपल क्लैंप लोडर। सो अब मुझे चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एट रेप्लिकेशन फॉर्म।